So Rohit Singla, right? You have done BTech in 2018. Yes, sir. So Rohit, apni introduction hai. Sir, my name is Rohit Singla and I belong to District Sangrur, Punjab. I have done my bachelor's from Chandigarh Group of Colleges, Mohali, under IK Gujral, Punjab Technical University with 82.2% marks. And after my BTech, I start preparing for competitive exams. And apart from that, my hobbies include I used to watch Indian comedy shows. Also, I like to take walks in my free time. Mm. So that's all about me. Thank you. कौन से शोज देखते हैं आप इंडियन कॉमेडी शोज? सर लाइक कपिल शर्मा शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नॉर्मल शो. अच्छा, जो लोग कॉमेडियन होते हैं वो अपनी लाइफ में भी कॉमेडियन होते हैं एक्चुअली? नहीं सर, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है. मैं तो अपनी जो हॉबी है उसे, मतलब पढ़ाई के कारण जो फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है, उसे रिलीज करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी देखूं. सर, पंजाबी मूवीज जो ज्यादा फेमस एंड हिट होती हैं कॉमेडी मूवीज होती हैं. यस सर. ऐसा क्या कारण है प्रमोद? सर मैक्सिमम तो ये है कि आज की तारीख में कॉमेडी एक ऐसी है जो, मतलब, हर बंदा प्रेफर करता है क्योंकि हेल्थ बेनिफिट भी हैं और भी हैं. और कॉमेडीज में, मतलब, आपको किसी तरह का सोचना नहीं पड़ता है कुछ. अगर बंदा बहुत ज्यादा, मतलब, किसी स्ट्रेस में है, वैसे भी लगभग इतना ज्यादा काम हो गया कोविड के कारण, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है हर तरह, तो हर कॉमेडी मूवी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है कि आप सब कुछ भूल जाते हो. तो इसलिए सर कॉमेडीज बहुत फेमस है. और जो कि पंजाब के एक्टर हैं, जिवें जैसे कि बिनो ढिल्लो, भगवंत मान, सर पहले से ही उन्होंने एक ऐसा, मतलब, बहुत ही अच्छा माहौल तैयार किया हुआ है कॉमेडी का कि वो एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं कॉमेडी को, जिससे हर बंदा बहुत ही रिलैक्स और फील करता है. अच्छा रोहित, अभी कपिल शर्मा शो में उनके सब कौन एंकरिंग कर रहा है? सर मेन लीड तो वही है, लेकिन जैसे कि कृष्णा है और मेन कौन है, सिद्धू साहब या कौन है? अर्चना फ्रांसिस. वो पहले उनके साथ काम कर चुकी हैं शायद. यस सर, कॉमेडी सर्कस में पहले वो कंटेस्टेंट थे कपिल शर्मा और वो मेन जज थी उस टाइम में. तो अभी आप जॉब कर रहे हैं प्रपोजल राइटर? नहीं सर, मैंने की थी अपनी बीटेक के बाद, लेकिन वो मैंने 3 महीने के बाद छोड़ दी थी. ये क्या है प्रपोजल राइटर क्या होता है? सर जैसे हमारी कंपनी जो मेन थी वो यूएस की थी, ईगल बिल्डर्स, तो ये इनका ऑफिस है मोहाली में 12 इंफोटेक के नाम से. तो वो क्या करते थे सर, ईगल बिल्डर्स वाले जो यूएस के टेंडर्स हैं वो उठाते थे और हम यहाँ बैठ के उन टेंडर्स के जो नोटिफिकेशन है, प्रपोजल है, उन्हें मैं खुद एनालाइज करता था, फिजिबिलिटी देखता था और जो एक टेंडर का प्रपोजल बना के, मतलब बिड बना के हम पेश करते थे. किसको? मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी ने भी उनके लिए काम कर रहे थे. हाँ जी सर. क्या आप उनके बिहाफ पे टेंडरिंग करते थे? यस सर. सर उन्होंने हमें हायर किया हुआ था ना कि आप जैसे भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है हम आपको भेजेंगे, आप उन्हें स्टडी करें, देखें और फिर एक फाइनल प्रपोजल बना के जो कि हम आगे, मतलब, डिपार्टमेंट ने जिसने फ्लोट किया टेंडर उसको भेज सके. तो ऐसा मैं, मतलब, ये सारी जॉब छोड़ के लिए. सर पहली बात तो ये थी कि यहाँ रहकर मेरा जो रेंज थी वो बहुत ज्यादा नैरो हो गई थी, क्योंकि सर मेरे को सिर्फ यही था कि जो नोटिफिकेशन आएगा उसे स्टडी करना है और, मतलब, कि बस उसी को बनाना है. उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट मेरी सिविल की जो मेन थी वो कहीं ज्यादा यूजफुल नहीं थी. इसके अलावा सर एक ये नाइट जॉब थी, क्योंकि वहां यूएस में जब दिन होता था तो हमें यहाँ रात में काम करना होता था, तो इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी मेरे को होगी थी. तो इसलिए 3 महीने बाद मेरे को लगा कि मैं फिजिबल नहीं हूँ और ज्यादा आगे इसमें नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए मैंने. ये आपने कब जॉब किया, ड्यूरिंग कोविड? नहीं सर, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ मेरी प्लेसमेंट हुई थी इसमें, तो उसके बाद ही मैंने रिसेंटली. सर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 3 घंटे पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है या एक लगता है कि आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक लिया जाए. तो उसमें सर जैसा हमारा छोटा सा गांव है उसमें फील्ड बहुत ज्यादा है, तो वहां जाके वॉक्स करना, मतलब, अच्छा लगता है. तो आधा 1 घंटा एनवायरमेंट के साथ रह के सर, क्योंकि फ्रेश माहौल होता है, फ्रेश एयर अंदर जाती है, तो सर काफी रिलैक्स फील होता है. आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट किस डोमेन में है? सर जैसे सिविल की कोई भी, मतलब, टेक्नोलॉजी आती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी
हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा था कि हमने रोड में प्लास्टिक यूज किया है जो जम्मू वाला हाईवे बन रहा है। तो ऐसी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी सिविल में आती है उसमें मेरा काफी इंटरेस्ट है। अच्छा, ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आपका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड होता है कि आपको बहुत ज्यादा फील्ड में काम करना होता है या ऑफिस में बैठ के, मतलब काफी वाइड रेंज है। इसके अलावा सर, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर जो एक सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलती है आपको, वो कहीं भी और प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती। और सर, एक कारण ये भी है कि जैसे अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो वहां पर आपकी जो प्रोफाइल है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी कंपनी में जा रहे हो तो वहां आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट में स्विच कर रहे हो तब कुछ और करना पड़ेगा। और एज अ, मतलब एक कोई श्योरिटी नहीं है, जैसे कि कोविड में काफी जॉब्स गई है या कुछ और, लेकिन एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आपको एक लाइफ टाइम के लिए श्योरिटी मिल सकती है कि आप अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करोगे। So, ये सब अच्छा, आपको लगता है रोहित आप सूटेबल हैं इस जॉब के लिए? यस सर, बिल्कुल। कैसे? सर, फॉर एग्जांपल एसडीओ के लिए आपको एक तो मैनेजमेंट स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको फील्ड पे कोई भी काम करवाना है किसी लेबर से या कुछ, तो सर एज अ मैनेजमेंट स्किल मेरी एक स्ट्रेंथ है। इसके अलावा सर, एज अ सब डिविजनल ऑफिसर एक कम्प्लीटली टेक्निकल जॉब है, तो एज अ टेक्निकल बैकग्राउंड मैं बहुत अच्छा हूँ इसमें कि टेक्निकल, जैसे कि सर मैंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एग्जाम क्रैक कर दिया, और इसके अलावा मैंने और भी काफी एग्जाम क्रैक किए हैं। तो एज अ टेक्निकल आई एम वेरी सुटेबल पर्सन। और इसके अलावा सर, फील्ड में भी जैसे हमारा सर्वे कैंप हुआ था कॉलेज में, उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। आप कौन से डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी? सर, फर्स्ट प्रायोरिटी माय विल बी पब्लिक वर्क एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग एंड रोड्स। व्हाई? सर, क्योंकि एक हाईवे एज अ फील्ड है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि पीडब्ल्यूडी में यू हैव टू रिस्पांसिबिलिटी टू बिल्ड द रोड, टेक केयर ऑफ रोड्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग, इसके अलावा रोड्स के साइड में जो कंस्ट्रक्शन होती है, तो और जो भी मतलब बिडिंग का डॉक्यूमेंट है, टेंडर, प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब एक काफी वाइड स्कोप है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी टेंडरिंग वाले एरिया में जॉब कर चुका हूं, तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी कॉम्पिटेंसी इसमें ज्यादा दिखा पाऊंगा, इसलिए मेरे को लगता है। ओके सर। ओके रोहित। यस। अभी आप संगरूर डिस्ट्रिक्ट से? यस। तो आप मुझे वहाँ का डेंसिटी बता सकते हो? यस सर। सर, फोर, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब में 450 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। और तुसी मोहाली से काम करते हैं? हाँ जी। और चंडीगढ़ भी नियर बाई रहेगा मोहाली दे? बिल्कुल। तो तुसी इन्हों चंडीगढ़ का आरएल दर्शन से कितना है? सॉरी सर, आई डोंट नो। और पंजाब का? सॉरी सर, तुसी पंजाब से बिलोंग करते हैं? यस। I think state तो पता होना चाहिए। Sir, actually, I never think in this direction. Okay. And तुसी कहे कि private job चे मैंने रात में भी काम करना पड़ा। Sir, mostly रात दे ही काम चाहिए। अगर मान लो चार महीने आपको यहाँ पे भी night में अगर आपका duty लगेगा फिर तो क्या करोगे? नहीं सर, वहां तो ना लाइफ टाइम के लिए नाइट था ना, यहाँ तो एक होगा कि एक पीरियड के लिए आपको करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगा, क्योंकि वहां तो यूएस की जॉब थी तो आपको हर समय ही नाइट का करना था। और उसके अलावा सर, वहां पर जैसे मैंने बताया कि मेरी डोमेन थी वो बहुत लिमिटेड हो गई थी, लेकिन एज अ एसडीओ मेरे को 2 महीने 4 महीने करना पड़े, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो सर दिक्कत आ जाती, क्योंकि आपका मतलब सब सिस्टम ही हिल जाता है, तो इसलिए सर वैसे मैं रात में काम करो या दिन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्या तुसी मोहाली दा लिटरेसी रेट दस्स सकदे कितना है? सर अप्रोक्सीमेटली 75%। इंटरमीडिएट सर, फॉर एग्जांपल कैरिज वे मतलब बहुत सारिया लेन्स ने सर अपने रोड ते विच, ते एक जेडी मिडल लेन्स हुंदी है सर, उन्हां नूं कैरिज वे कहा जांदा है, इंटरमीडिएट कैरिज। ओ तां मल्टी लाइन बन जांदा है ना? नहीं सर, फॉर एग्जांपल दिल्ली टू आगरा एक्सप्रेस वे, इट हैज 4 to 5 कैरिज वे।
सर फॉर एग्जांपल दिस इज द आउटले एंड दिस इज द बैरियर और डिवाइडर वी कैन से देन दिस लेन एंड दिस लेन विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट बैरियर इंटरमीडिएट ओके इसका विड्थ कितना होना चाहिए सर एप्रोक्सीमेटली 5.5 मीटर 5.5 अभी ये कितना लेन आपने ड्रॉ किया सर ये 1, 2, 3 and 4 लेन टू साइड दिस साइड टू एंड तो मतलब ये डबल लेन हो गया ना यस सर दिस इज आल्सो टू लेन यस सर तो वी विल काउंट इट एज अ मल्टी लेन ना Sir, we can also count it. Yes, sir. It is a road which is multi-lane, and this is only specific known as intermediate carriage. अच्छा इधर purpose क्या होना है multi intermediate lane देना का? Sir, ये तो traffic पे depend करेगा. जितनी ज़्यादा traffic होएगी, for example, sir, जिम्मे मैं दस्या कि दिल्ली तो आगरा दा जेड़ा express way है, 8 lane है, sir. तो सर ट्रैफिक दे वाइज मैक्सिमम लेन्स देने हैं सर उधर सर ईच लेन की जो अपना विड्थ होगी ना वो सानो 3.5 मीटर मिलेगी हां जी 3.5 मीटर यस सर एंड व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग 5.5 मीटर विड्थ ऑफ द लेन अगर ट्रैफिक ज्यादा है वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेन ना यस सर सॉरी सर आई डोंट नो ओके तो सी लोअर बिल्डिंग स्ट्रक्चर का नाम सुना होगा हां की होता है सर कोई भी स्ट्रक्चर जिदे उत्ते मतलब लोड कैरी कर रहा है और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल दिस बिल्डिंग एदे उत्ते कोई ऊपरला फ्लोर होएगा ते ए भी मतलब एज अ एरिया ही लोड बेयरिंग काउंट होएगा क्योंकि इदे उत्ते लोड है फॉर एग्जांपल द टॉप फ्लोर सर वो लोड बेयरिंग नहीं होगा क्योंकि ओदे उत्ते सिर्फ उसदा ही लोड है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी फाइनेंशियल वी कैन डिजाइन इट एज अ स्नो लोड और अर्थक्वेक लोड वी कैन टेक एनी फैक्टर But due to economy, we have to reduce that load. For example, in Delhi, we does not design the building for wind load, but we design for earthquake loads. So that is the reason, sir. Economy is the main factor where we have to consider. Are you sure we are not considering the wind load effect in the designing of building in Delhi? Are you quite sure? But, sir, actually, one of the building that in Saket region, recently approximately 10 to 12 floor that was not designed generally it depends upon the height of structure yes sir it depends the height of structure yes, is more then definitely we have to consider sir for the main reason of Delhi is because the normal building is approximately 6 to 10 floor so below that we does not design for acha punjab ch jada upper ground water level hega wo kinni depth mein milta hai average सर एवरेज आई कैन से 250 फीट 250 फीट 250 फीट बहुत ज्यादा नहीं है बहुत ज्यादा थल्ले हां थल्ले सर डाउन होता 250 फीट बहुत ज्यादा नीचे मिल रहा है जाके ग्राउंड वाटर हां जी बिल्कुल थल्ले हो गया सर हुन क्योंकि सर जेडी मतलब क्रॉप्स दी यूजेज है वो जो राइस जी में पंजाब च मोस्टली ग्रो किया जाता है ते approximately 73% ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ approximately 250 ਹੈ ਆਮ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਐਵਰੇਜ ਹਾਂਜੀ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦਾ ਫਿਗਰ ਓਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सर वी हैव टू यूज कर सकते हैं क्योंकि सर ग्राउंड वाटर दे विच सस्पेंडेड इंप्योरिटीज नहीं होंदियां पर आपां नूं इहदा डिसइनफेक्शन जरूर करना पड़ेगा सर ओके सो लेट्स गिव यू फीडबैक देन वी प्रोवाइड यू रोहित योर फीडबैक यस एक तो बैठने का जो आपका पोस्टर है लाउजी है देखो कैसे बैठे हो तो कैसे चेयर के ऊपर नहीं रखना इसे लगा नहीं रखना सीधे होके पीठ हटाओ पीठ आगे से हटाओ और ऐसे होके बैठो पीठ हटा दो और अपने जो हाथ है ना टांगों के ऊपर रखो थोड़ा सा ऐसे ही रखे थे सर ये पर कुर्सी थोड़ी कंफाइंड है ये वहां पे भी होगा तो कैसे बैठना तो आपने इस तरीके से रखना टांगों के बीच में स्ट्रेट पीठ सीधी करो हाँ बस ठीक है ये पोस्टर सर ऐसे हाथ रखते हैं हाँ रख सकते हैं इसमें कोई ट्रबल नहीं बाकी जो लिखने को बोलेंगे तो आपने ऐसे रख लिया टेबल पे और उस तरीके से वहाँ चेयर आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेगी
तो उसमें काफी टाइट है। हाँ, टाइट, ओके। सो वी'ल अरेंज इट नेक्स्ट टाइम डिफरेंट चेयर, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से बैठेंगे एक्टिव होके। तो सर अगर थोड़ा इंटरव्यू लंबा चलता है तो कमर, एक्चुअली क्या होता है अगर आपने पूरे पीछे होकर बैठे हो ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रिलैक्स मोड में चले जाओगे, इसलिए आधी कुर्सी ऑक्यूपाई करो, आगे आ जाओ। अब यहाँ बैठ जाओ ना, ऐसे बैठे रहो, आप पीछे होकर बताओ जरा। जो मेरी स्टडी की चेयर है ना वो बॉस वाली चेयर ही है, उसपे मैं ऐसे ही बैठता हूँ। नहीं तो स्टडी थोड़ी हो रही हूँ। हाँ तो वही तो ना, थोड़ा ऐसे बैठ, बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठना पड़ेगा, एक्टिव होकर ऐसे। इससे क्या एक्टिव भी रहेगा, जेस्चर पोस्चर भी अच्छा रहेगा और थोड़ा एक्टिव मोड में आदमी जेस्चर करता है, और हैंड मूवमेंट थोड़े बहुत कर सकते हो आप। हैंड्स को फ्री रखना है, जैसे को बोला, हाँ फ्री रखना, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो। एंड हैंड मूवमेंट्स का भी एक तरीका है, बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक सा रहेगा तो देन इट्स ओके। आपको अपने इंट्रोडक्शन में परसेंटेज वगैरह मेंशन नहीं करना है, आपको जो इसमें लिखा हुआ ना उसको कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके पास होगा तो और कुछ नहीं था ना। टेकिंग शॉर्ट वॉक, ये नाम थोड़ा मेरे को ठीक नहीं चल रहा है, तो टेकिंग शॉर्ट वॉक की जगह कुछ और सोच रहा हूँ। स्ट्रोलिंग इन द फील्ड, वही कर रहे हो तुम, स्ट्रोलिंग इन द फील्ड्स, स्ट्रोलिंग का स्ट्रोलिंग होता है घूमने, तुमने बोला फिर तो मैं जा जाता हूँ, उसको होता है स्ट्रोलिंग इन द फील्ड्स। सर इसमें कोई फील्ड की तो नहीं पूछेंगे, खेत तो मैं तो जा रहे तुम नहीं तो खेत में तो घूमते हो, बोला गांव के खेतों में चलेंगे ना, उसी को स्ट्रॉलिंग इन द फील्ड्स। तो इस पे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होते, क्रॉस क्वेश्चनिंग तो हर चीज पे होगी, जो भी लिखोगे उस पे होगी। ये तो हम चाहते हैं कि पूछें, वो देखेगा इसको स्ट्रॉलिंग इन द फील्ड, मतलब किससे पढ़ते पढ़ते थक जाता है आदमी, तो फ्रेश होने के लिए खेतों में चला जाता हूँ सर, टहल के आ जाता हूँ। शॉर्ट वॉक टर्म नहीं होती है, वॉक टर्म होती है, तो ये थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। स्ट्रॉलिंग इन द फील्ड इज द राइट वर्ड, वॉचिंग इंडियन कॉमेडी शोज दैट इज ओके, तो वो बाकी सब सही है। बाकी ये जो जॉब है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, तो और भी एचआर चलेंगे आपके, तो इसमें क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव तो नहीं 3 महीने का, और जो रीजन बताया उसे नेगेटिव नहीं है, बस कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन वो तो सर टेंडरिंग के पूछ सकता है वो मेरे को सर। हां प्रिपेयर वो आपके, और जो एचआर चलेंगे ना ऑनलाइन एचआर चलेंगे, तो मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा आपने नोट करते रहना, जैसे आज जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपने नोट कर लिए मेरे सर के, वैसे आप नोट करते जाओ। सो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, और बोलने का तरीका रखना, पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनना है फिर आंसर करना है, तो जो नहीं आता उसको आंसर नहीं करना, राइट। ये चीज करनी है। फ्रॉम योर साइड सर, थोड़ा टेक्निकल के ऊपर फोकस करो, जैसे एस एन एग्जांपल यू वर्क इन मोहाली, राइट नाउ चंडीगढ़ इज नॉट फार अवे फ्रॉम द मोहाली, तो आरएल कितना है? सर आरएल नहीं, मैंने बाकी सब कुछ कर लिया था कि जैसे इसमें ग्रिड एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न है वाटर सप्लाईज का, तो आरएल रह गया था, वो देयर इज अ कॉमन थिंग जो सभी को पता है, जैसे जो हमारा वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे है। वन थिंग आरएल क्या है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे डेंसिटी क्या है, यू सेड 450 ओके, वो पता होना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो पंजाब का भी आरएल कितना है, वो एक रेंज गिवन है, लगभग वो 150 से लेके ये 550 तक गिवन है। और चंडीगढ़ का बात करें तो इट इज अराउंड अबाउट 250 ओके। सो है सेकेंड थिंग, अगर हम टेक्निकल की तरफ वर्क करेंगे, जैसे आपने बोला कि मुझे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है, आई वांट टू वर्क इन द रोड कंस्ट्रक्शन, सो एज आई आस्क यू व्हाट इज इंटरमीडिएट कैरियर एंड इन बिटवीन व्हाट यू डिड, यू जस्ट तुमने वो डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, यू आर नॉट आंसरिंग दैट वन। इसमें इंटरमीडिएट कैरियर जो हम वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना, स्पेस का कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब हम डबल एंट्री नहीं जा सकते हैं, okay, वहाँ पे हमारे पास खाली इंटरमीडिएट लेन ही होगा। अगर मान लो हमारे पास दो लेन उस तरफ है, दो लेन इस तरफ है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं एटीएम में वैल्यू मल्टी के, एंड आई वाज सेइंग बट यू आर नॉट एग्री, ओ नो नो दैट इज नॉट एग्जैक्ट, वो नहीं करना। तो सर इसमें 3.5 मीटर होगी मल्टी लेन में, और 3.5 मीटर उसमें 5.5 मल्टी लेन है, ब्लाइंड भी होगी, 3.5 मीटर है। तो सर उसको इंटरमीडिएट क्यों बोला गया, क्या इंटरमीडिएट है उसमें, मल्टी लेन में कहां मिलेगा इंटरमीडिएट? नहीं नहीं, जैसे हमने टर्म यूज किया इंटरमीडिएट कैरिज वे, तो कैरिज वे तो चलो एक हो गया जो कैरिज वे, इंटरमीडिएट क्यों बोला गया? इंटरमीडिएट इसलिए बोला गया अगर हमें रिक्वायरमेंट है डबल लेन का एंड हमारे पास स्पेस लिमिटेड, अब मान लो आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल है और हम जिस गाड़ी में बैठे वो तेज चला हुआ, वी हैव टू ओवरटेक, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंगल लेन से ज्यादा वेट दे दिया लेकिन डबल लेन से कम है, दैट्स व्हाई इसका वेट कितना है, 5.5 नहीं तो 7 मीटर होता है, 7.5 होता है विद कर्व और विदाउट कर्व।
ठीक है। एंड सेकंड हैव अ लुक ऑन द डेटा, जैसे चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो इसको किसने डिजाइन करा, वो तो पता है ली कार्बोजी दो अलग से और मैंने सेकंड जैसे सर्वे की हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ बत्ती सेक्टर में सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। ओके सर, ठीक है, वी मस्ट हैड अबाउट दैट वन। एंड जैसे हम जीटीएस की बात करते हैं ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे हम कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं जैसे पंजाब में हो गया हरियाणा में, वो चीज थोड़ा ध्यान रखना उस चीज। और सर जैसे ये सर्वे कैंप का, जैसे मेरी फर्स्ट पोजीशन थी लेकिन हमें कोई मतलब सर्टिफिकेट सी मिले हैं कोई ज्यादा वो नहीं, तो इसका डेटा वो पूछेंगे वो? नहीं नहीं, वो दे टेक देयर फेस वैल्यू। ओके, क्वेश्चन पूछ के पता लगा नहीं कि आप सच बोल रहे हो जो बोल रहे हो। तो वही अभी जैसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर लोड बेयर करता है। हां जी, वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर तो हमने देखा होगा नॉर्मली जब स्लैब दीवार के ऊपर होता है ब्रिक मेसनरी, जब बीम कॉलम का फ्रेम नेटवर्क का वो फ्रेम स्ट्रक्चर होगा उस पर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। अभी यू सेड एज सर वाज आस्किंग मैं टेक्निकल में स्ट्रांग हूं, लेकिन फिर उसका वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, या तो आप पहले बोलो ना कि आई एम ठीक है वो टेक्निकल निकाल दो, एज यू सेड आई एम टेक्निकल वेरी स्ट्रांग। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग ओके टेक्निकल पूछेंगे डेफिनेटली ईएमसी विल आंसर है ना, ये चीज होगा।